इसको पूरा आचरण करना है सद्धर्म इंद्रिय सूत्र का संदेश के लिए। तो आज ही अर्थात कर दो बार है ऐसा अभी प्रोग्राम ने विकास ने तैयार किया। तो पवित्र मौका है और पवित्र भूमि में हम लोग एकता हो रहे हैं। थोड़ा मैं कुछ इतिहास करता हूँ। इस दुनिया में दादा साहब गुरुभावी जी ने स्थापना किया बहुत साल पहले, मेरा काम 30-40 साल पहले की बात है। मैं दादा साहब गुरुभावी जी से मुलाकात हुआ 25 साल पहले बॉम्बे में, जब मैं बोडीना का उद्यम जापानी उद्यम का अध्यक्ष विकसित था जवान के साथ। मेरा उम्र 25 के बाद तो हमेशा हमारा मंदिर आते थे और हम लोग का कुछ प्रोग्राम है वो हमेशा आते थे। तो दादा साहब रूपवती जी मुझे गुरु जी से भी पहचान हुआ मुलाकात हुआ और मुझे गुरु जी का विश्व शांति आंदोलन है इसको खुद देखा। जापान भी गया, मंगोलिया भी गया और इंडिया में भी राजगी में कलिंगा में शांति स्तूप का विजय गुरु जी स्थापना करते करते विश्व शांति का आंदोलन में भगवान बुद्ध का स्तूप ये सेंटर है। भगवान बुद्ध का सद्धर्म विश्व शांति स्थापना करने का आंदोलन का सेंटर में बुद्ध विहार नहीं है, स्तूप है। स्तूप है विश्व शांति इस संसार में स्थापना करने का केंद्रीय है। भगवान बुद्ध का शरीर, बुद्ध धातु का शरीर और स्तूप है वो इसके अंदर में बहुत गंभीर संदेश है। सद्धर्म इंद्रिय सूत्र ऐसा संदेश है
स्तूप का सच्चा मतलब क्या है? संदर्भी का सूत्र पूरा प्रकाशित और राजा अशोक है वृंदावन परिनिर्वाण के बाद आप राजा था इंडिया में, आप राजा आपका अपना बुद्ध का अस्थि को लेने के लिए लगने के लिए तैयार हो, हमको दे दो, हमको दे दो, हम आपके पास दे, हमारा देश में हमारा जगह में सब लोग लड़ाई करना, सब बुद्ध का अस्थि को लेने के लिए पूरा भारत का आप देश राजा लगने वाला था। तो कृष्णा में बुद्ध का अस्थि जमा के एक जगह में रखा, एक वहां का ब्राह्मण है, उन्होंने सब राजा को बोला, सब राजा सेना लेके आया, मुझे लेके आना है, मुझे लेना है। तो बुद्धा क्या कहा हमको, शांति मारो गुरु से कहा, और हमारा गुरु के लिए अब लोग लड़ाई कैसे करें, कहां थे सबको एकता समाज से सबको बुद्ध का अस्थित देंगे और आप लोग अपना देश का जगह जाके स्तूपा बनाएंगे, ऐसा। तो सबसे पहले राजा नारायण को छोड़ा और अपना अपना भगवान बुद्ध का अस्थित लेके अपना देश में सबसे पहले का स्तूपा स्थापना किया, इसमें आप स्तूपा। बाकी एक है जहां बुद्ध का शरीर को जाया था, इस जगह में भी एक आश को जमा के स्तूप बनाया, और एक है जो ब्राह्मण वो अपना क्या तो उसमें तो हाँ उसमें थोड़ा कुछ लगा था, इसको लेके दूसरा स्तूप। तो सबसे पहले भारत भूमि में दास स्तूप स्थापित, उसके 200 वर्ष के बाद राजा अशोक आया और पहले लड़ाई करने वाला मरने वाला राजा सबको अशोक को डरते थे, सबसे खतरनाक करीब में सब नष्ट करके अपना राजा बनाया, लेकिन खुद समझ में आ गया वो गर्व था, हम आगे मेरा पाप कर्मा को साफ करने के लिए भगवान बुद्ध का मर्ग आश्रय स्वीकार करके मेरा देश में अहिंसा का देश बनेगा और ये शांति मार्ग है सारे दुनिया में प्रसार करेगा, इससे मेरा पाप को साफ कर देगा। तो प्रचार करने के लिए धर्म यात्रा किया, सब जगह में बुद्ध का जगह में दर्शन किया, इस सारे संग्राम में संदेशना और दास और दास बरमरत भगवान बुद्ध का शिष्य है, अशोक है, आनंद है, महामया है, संदीप है, इस पूरे जगह में वहाँ वहाँ जाके राजा के दर में दान दिया। उसी समय दास स्तूप के अंदर से नौ स्तूप को खुला और भगवान बुद्ध का अस्थि को निकाल, और भगवान बुद्ध का अस्थि है 84,000 का अस्थि डिवाइड करके पूरा इंडिया में और विदेश में, वो अभी भी चाइना है, श्रीलंका है, म्यांमार है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान है, कश्मीर है, हो सकता है ग्रीक इजिप्त तक भगवान बुद्ध का अस्थि भेजा और स्तूप बनाया। तो अब भी कलयुग में सबसे भयंकर आधारभूत युग में विश्व शांति स्थापना करने के लिए तुझी गुरु जी आप भी इंडिया में कितना स्तूप स्थापित है, लाल किला और कलिंगा और देवी लद्दाख दार्जिलिंग वैशाली और वैशाली और दुजबी पोखरा और माय बनाया है लोगों ने इमरान खान ने, राज्य अशोक ने विश्व शांति दरबार बुझाया, लाज विश्व में स्थापना करने का काम किया,
इस इतिहास के ऊपर शांति प्रख्या के लिए वो दादा साहब रिपोर्ट लिखी थे खुद देखा तो वो भी समझ रहा है हम लोग दूसरी सुन का रिवाइवल इंडिया में करते हैं हम लोग अंबेडकर का के वालों से अभी हम लोग बुद्धिस्ट बन गया जो बुद्धिस्ट बन गया धर्म प्रचार पूरा इंडिया में करना है तो अभी बुद्धिस्ट की कर रहा है इसको देखना चाहिए स्तूपा के बना के धर्म प्रचार तो हम भी दरअसल होती थी ये बता बुद्धिस्ट को मैं आपकी समझ गया धर्म प्रचार के क्या बोल स्तूपा बना स्तूपा से शांति प्रचार होगा हम लोग भी स्तूपा बनाना है नया बुद्धिस्ट इंडिया में आविर्भाव हुआ हम लोग आंदोलन चलता है तो हम लोग भी हमारा भारत से सुबह बनाना है तो दीदी गुरुजी को प्रोमिस किया इसके बाद दादा साहब को दी इस बंधारा जाओ सबसे सुंदर महान जगह में ये जोगिंग कर दिया बुद्ध विवाह का है उसके बाद सुबह की बनाना था लेकिन इसके पहले दादा साहब को दी लेकिन धर्म प्रवक्ता है वहाँ समाचार मुझे चैन भी आता था और पोहा आने भी आता था और रोटी भी आता था वहाँ करके यहाँ पूजा प्रार्थना करके प्रणाम नमस्कार दादा साहब को दीदी यहाँ स्तूप बनाना था तो ये पूरा हो गया इसके लिए हम आगे तक हमेशा आ रहे हैं आपकी थोड़ा परिस्थिति ऐसा आ गया है पूरा गांव का मिश्रा है मेरा विचार है जमींदारी है वो समझ में आके इतिहास को सीखे है अच्छा जमीन डालना जहाँ जाए तो अच्छा अभी ऐसा ऐसा हो गया आते रहिए तो हम सदर सुंदर के बारे में तो आपको विकास ने सपना सुंदर शांति का वो आपको सुना ही दिया इसलिए नाम से वो बोलेंगे तो बोलते इसलिए आती जाती है अभी से एक सौ बोल सकता है आती आया किसका मतलब है गुरु जाने कहा सद्धर्मा कुंदरी का सूत्र सबसे महान दरगाह प्रयाग है भगवान मुझे सबसे श्रेष्ठ क्यों कि ज्ञान बुद्ध का प्राप्त किया ज्ञान से राम रोगा हे राम हर की शब्द को तो हर की शब्द प्राप्त है नमो सत्ता भरेगा वो पाई को और क्या बनेगा ओ माय गॉड तो वो एक बुद्धिशक्ति का काम का है नाम जो बोलेंगे तो का परस्पर क्या है सत्तर्म इंद्री का तो परस्पर ओ माय गॉड जो किसान है एक बुद्धिशक्ति का और एक बुद्धिशक्ति तो सत्तर्म इंद्री का सूत्र है एक बुद्धा नहीं जो इतना जगत में बुद्ध क्षेत्र है ये बुद्ध क्षेत्र है कितना अभी
पूरा जगत में अभी हम अभी स्पेस में जो पृथ्वी में हो जाता है जगत में और सब लोग टेलीस्कोप में वो तो दिखता है जहाँ जितना पृथ्वी में दूसरा जगह है दूसरा जगह है दूसरा जगह है आगे धीरे धीरे दिखता रहता है इससे ज्यादा शुक्र है जो इतना जगत में दूसरा है इसका सब परंपरा है इसके अंदर में छपता हो क्योंकि वो युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञान है पहले ही नहीं अभी भी नहीं भविष्य भी नहीं वो इसमें समय नहीं है और जितना युद्ध कितना जगह कितना अलग अलग युद्ध क्षेत्र है वो सब समान एक होता है जिसका युद्ध का संपूर्ण जगत का एक एकता एकता उसको ताव में नहीं अभी जिंदा है पूरा मुद्दा किस पूरा मुद्दा को ना जैसा कैसे है अरे मुद्दा आ जाओ और एक मुद्दा से जाएगा नाम यो और एक नेत्रों का ज्ञान को परंपरा में हम पूरा मुद्दा अंदर में आपकी ब्रह्मा है कि जिससे जिंदा जमाता संपूर्ण जगत को जमा के ज्ञान अलौकिक कथा वो समझ में आना नहीं वो ज्ञान का शक्ति बुद्ध का शरीर हम लोग एक शरीर भगवान बुद्ध का शरीर एक शरीर और भगवान बुद्ध का शरीर न होने के बाद आचार्य करे गए तो अस्तित्व नाम यो हो रहे हैं तो जाना
ज्ञान अपना मन से, अपना शरीर से, अपना मुंह से ज्ञान करने के लिए एक बार हो गया सारे जगत का सारा जगत शरीर छुट्टा हो गया पूरा जगत ज्ञान नहीं कर सकते उनका आयु है जीना है इस जगत अभी है आपके शरीर आपके साथ इसलिए जो इतना प्रेमियों ने बदतर अरहत इनका कितना समाधि है श्रद्धा है लेकिन सत्संग इंद्रिय का शुद्ध धारण करने वाला आदि वो सबसे श्रेष्ठ है क्यों तो दूर का ज्ञान है शरीर है आयु है शक्ति है पूरा जगत का बुद्ध पता रहता है हमारे पास आदि है वो केवल इतना ही हम बच्चा करते हैं बजाता है नंगे बोलेंगे बोलता है सबको आधार सबको नमस्कार सबको इतना सबको स्वागत सबको सत्कार इससे क्या हो सब लोगों के आत्मा से इस ज्ञान योजना होना चाहिए इसके लिए Thank you.